नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि कर्नाटका में एक अजीब किस्म का युद्ध चालू हो गया। एक तरफ तो सावरकर सेना और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान की सेना। ऐसा लग रहा है कि जैसे 18वीं शताब्दी की लड़ाइयां फिर से हो रही हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया में हो रही है और टेलीविजन स्क्रीन्स में हो रही है। टीपू सुल्तान को लेके कंट्रोवर्सी कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले भी हुआ है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन थे टीपू सुल्तान, उनको लेके हमेशा इतना कंट्रोवर्सी क्यों होता है और सही इतिहास क्या है। तो इसके बारे में मेरे साथ बात करेंगे भूपेंद्र यादव, जो हिंदुस्तान के बहुत अच्छी तरह से जाने हुए इतिहासकार हैं और अभी अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी से वो रिटायर कर चुके हैं और इसके पहले वो मेरे इतिहास के कार्यक्रमों में लगातार आते रहे हैं जब वो नेहरू म्यूजियम के फेलो थे। तो भूपेंद्र जी को मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप बेशक रिटायर कर गए हों अपने पद से, लेकिन एक इतिहासकार खासतौर से आज के हिंदुस्तान में कभी रिटायर नहीं कर सकता है। तो भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत हम शुरू करेंगे, हम भी थोड़ा अतीत से शुरू करेंगे, लेकिन उतना अतीत में नहीं कि जितना टीपू सुल्तान को लेके है। मैं आपके एक पुराने आर्टिकल के बारे में आपका ध्यान खींचूंगा, जिसको हमारे एक मित्र ने मेरे को फ्लैग करके भेजा था, उसके बारे में बोला था। 1990 में आपने ईपीडब्ल्यू मैगजीन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैगजीन में उस समय टीपू सुल्तान को लेके भी एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत छिड़ी हुई थी। तो उस समय आपने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आपने जो चीजें कही थी वो मुझे लगभग आज भी रेलिवेंट लगती है। तो इतिहास को लेके डिस्प्यूट पिछले 3.5 दशक में कहीं आगे नहीं बढ़ा है, उतना ही कॉन्टेस्टेड रहा है, कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ये तो पहली बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्योंकि हम टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं और क्योंकि टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी में उनका प्रेजेंस था, जिसके बारे में हिंदुस्तान में जैसे आप मुझे बता रहे थे जब हम चर्चा कर रहे थे कि हम किन किन मुद्दों के बारे में बात करेंगे, तो आप कह रहे थे ये सबसे कम टच्ड पीरियड है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कि किस तरह एक तरह मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हो रहा था, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स अपनी एसर्शन धीरे धीरे जमा रहे थे, उस पीरियड में टीपू सुल्तान कर रहे थे। और जैसे कि आपने बहुत ही मार्मिक तरीके से अपने 1990 के आर्टिकल में लिखा था, वो मैं लाइन कोट कर रहा हूं, टीपू सुल्तान इन अ नटशेल वाज जस्ट अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग मोनार्क, ही डिड नॉट बाय पीस विद द ब्रिटिश लाइक द नवाब्स ऑफ अवध एंड कर्नाटक एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कार्व अ नीच फॉर हिमसेल्फ बट पॉसिबली डिड नॉट सक्सीड। मोटे तौर पे मतलब यही कहा था, मतलब मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज किया हूं। तो टीपू सुल्तान का पीरियड को जरा आप हिस्टोरिकली लोकेट करके मुझे बताइए और क्यों उनको लेके इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है। जी धन्यवाद नीलांजन, ये मेरा एक आग्रह रहा है कि हम लोग इतिहास को पढ़ने का एक तरीका तो ये लगा लें कि जिस भी विषय को चुने उसका आगा पीछा भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस वजह से मुझे लग रहा था कि अपन लोग 18वीं शताब्दी के बारे में बात करें। बिल्कुल। अब ये बात सच है कि टीपू सुल्तान एक फेलियर था, उसने बड़ी सारी कोशिशें की, वो नाकाम रही, और उन कोशिशों को गिन लेना बाद में अपन गिनते हैं, पहले अपन देखते हैं कि वो किस टाइम पर अपने आप को एसर्ट कर रहा है। 1750 जो कि सेकेंड हाफ ऑफ 18वीं शताब्दी का दूसरा हिस्सा है, उसके अंदर वो पैदा होता है जी। 17 साल की उम्र में वो अपनी पहली लड़ाई लड़ रहा है एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जी। आप समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चों को किस लिए तैयार किया जाता था, सिर्फ लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। एक तो ये बात ध्यान रखें कि ये एक मिलिट्री फिजिकल स्टेट का
एक बाशिंदा है, एक नुमाइंदा है। दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखें कि मुगल सल्तनत जो इस शख्स को नाम देती है, शाह आलम ने इसको कोई नाम दिया था, मेरे को अब वो उस लेख में मेरा मैंने जिक्र किया है, पर शाह आलम ने जो नाम दिया था वो भी इस बंदे ने नहीं रखा, इसके घर वालों ने उसको नहीं रखा। तो ये मुगल सल्तनत को ना मानने वाले दक्कन के एक रूलर हैं। तो 18वीं शताब्दी में हो क्या रहा है, 18वीं शताब्दी में हो ये रहा है कि सूफियों के नाम पर मुसलमान अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। टीपू औलिया जो कि आर्कोट में कहीं पे अपना सूफी फकीर थे, उनके नाम के नाम हजरत इन 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 हजरत का नाम टीपू रखा जाता है। ये कुछ चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद में अपन इस शासक के बारे में भी बात करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर अपन लोग बीच बीच में अंग्रेजी बोल रहे होंगे, वो कारण उसका ये कि अंग्रेज ने प्लासी का युद्ध जो था वो जीत लिया। अगर प्लासी के युद्ध में फ्रांसीसी जीत जाते, फ्रेंच लोग जीत जाते, तो आप और मैं बीच बीच में फ्रेंच बोल रहे हो बिल्कुल, और अपने हिंदुस्तानी तो बोल ही रहे होते जी। तो ये भी एक बात ध्यान करने की। और टीपू सुल्तान यहाँ पर भी एक थोड़ा सा हटके इंसान है, क्योंकि कोशिश करता है कि अगर यूरोपीय पावर को हराना है तो अगर यूरोप में लड़ाई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है तो वो फ्रांस के राजा के पास अपने लोग भेजता है, एम्बेसडर्स भेजता है, और वो उनसे अपना रिश्ता बनाना चाहता है, उनसे मदद चाहता है। किस किस्म की मदद चाहता है इसके बारे में भी मैं आपको एक रोचक बात बताऊं, मेरे पास वो किताब खुली रखी है। वो ये कह रहा है अपने एम्बेसडर्स से कि जाके राजा को ये कहना कि हमें मदद चाहिए, लेकिन हमें आप टेक्निकल सपोर्ट दीजिए जी। और किस किस्म की सपोर्ट वो मांग रहा है, एक वॉल्यूम है उसके अंदर वो चीज का जिक्र आया है। तो वो कहता है साहब हमें औद्योगिक तकनीक चाहिए, हमें वो क्राफ्ट्समैन चाहिए जो कि अच्छी बंदूकें बना सकें, जो कि घड़ियां बना सकें, जो कि इशे बना सकें, जो कि ये जो चीनी मिट्टी का सामान है ये बना सकें, हमें फ्रांसीसी लोगों से उसकी जरूरत है जी। वो उनसे कह रहा है कि हमें प्रिंटर की जरूरत है। अगर आपने थोड़ा भी इतिहास अपने भारत वगैरह का देखा होगा तो उसमें पाया होगा कि अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंट कैपिटलिज्म से आधुनिकता का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, कुछ लोग हैं जो कि हमें ये समझाते हैं, बेनेडिक्ट एंडरसन जैसे, तो प्रिंटिंग का हमारे यहाँ पर तकरीबन नदारद है। ये एक ऐसा शासक है जो कि एम्बेसडर को अपने फ्रांस भेजकर 1786 के अंदर ये कह रहा है कि यार कोई प्रिंटर विंटर भी लेके आओ वहां से, यहाँ पे हमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो फ्रेमवर्क था वो शायद समय के आगे का था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुली उन चीजों को नहीं कर पाए जो वो चाहते थे, क्या ये कहना ठीक होगा? जी जी बिल्कुल ठीक होगा जी, बिल्कुल ठीक कहा होगा। और अब देखिए ना, उनके दुश्मन ये नहीं है कि सिर्फ आज कोई सावरकर सेना वाले उनके दुश्मन होंगे या और कोई उनके दुश्मन होंगे, उनके दुश्मन अपने टाइम पर भी मौजूद थे। एक तो अगर आप घुटने नहीं टेकने के लिए तैयार हैं एक बढ़ती हुई साम्राज्यवादी ताकत के सामने, तो वो आपकी बहुत बड़ी, उस समय अंग्रेज बढ़ रहे थे, अंग्रेज अंग्रेजों के सामने भी घुटने नहीं टेक रहा है। तो ये ऐसा विचित्र प्राणी है जो कि अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। बाप का साया जो है इसके सिर से 32 साल की उम्र में चला जाता है, और ये स्वयं 50 से एक साल कम में ये स्वयं भी चला जाता है। एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि
हमने जिक्र किया आपके 1990 के आर्टिकल का, वो आर्टिकल जरूर से एक मतलब हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन आज के श्रोताओं को, आज के जो हमारे जो देखने वाले हैं, जो ऑडियंस है, उनको नहीं पता होगा 1990 में क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या बैकड्रॉप थी जिसकी वजह से आपको उस तरह का आर्टिकल लिखना पड़ा। उस समय ये हुआ था जी कि माननीय अडवाणी जी की तो एक यात्रा चली रही थी जी, तो वो हाँ जी अयोध्या वाली जी राम जन्मभूमि को लेके आंदोलन ने काफी जोर पकड़ लिया था, हिंदुत्व की बात पकड़ने लगी थी। जी और मेरे, मैं अभी भी एक कस्बे में ही बैठा हूँ उत्तर प्रदेश के, मेरे जैसे कस्बे के अंदर मेरी माँ की सहेलियां जो थी उन मीटिंगों में जाया करती थी, तो मुझे मालूम था ये क्या चल रहा है। उस दौरान एक भगवान गिडवानी की काल्पनिक किताब पे आधारित संजय खान एक सीरियल बनाते हैं, दूरदर्शन जी, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से जी, और वो उसे दिखाने के लिए परमिशन लेने के लिए दूरदर्शन में गए हैं और बवेला हो जाता है कि साहब ये तो व्यक्ति जो है ये तो इसने मुसलमानों को ग्लोरीफाई कर रहा है, मार काट की और इसने कुछ किया नहीं, तो इस आदमी को कैसे आप एक सीरियल बनाने देते हैं, और अगर बना भी देते हैं तो दूरदर्शन जो कि किसी किस्म का मोनोपोली थी उस समय, तो वो उसमें दिखा कैसे देंगे, नहीं दिखाने दिया जाए। तो बेसिकली ये प्रोटेस्ट जो है ये संघ परिवार की तरफ से हुआ, उनके जो अलग अलग जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन थे, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग किस्म के जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने प्रोटेस्ट किया जी सर। तो जी जैसा कि हमको देखने को मिलता है, हम संजय खान के हमने मेमोयर्स भी पढ़े हैं उस पीरियड में, तो वो रेफर करते हैं कि दूरदर्शन ने तो एक तरह से घुटने टेक दी और इनको बकायदा आरएसएस के नेताओं के पास के आर मलकानी साहब को भेज देते हैं कि आप इनका प्रिव्यू करिए। के आर मलकानी साहब अपने ऊपर नहीं लेते, वो नागपुर भेज देते हैं और नागपुर में बकायदा इसका प्रिव्यू होता है, और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं तो ठीक है, दिखाया जा सकता है। ये कम से कम संजय खान जी का वर्षन है। सर्टिफिकेट देने वालों में नानाजी देशमुख भी थे, जो संघ परिवार के बहुत बड़े नेता थे, और मतलब उनको मॉरल अपराइटनेस की वजह से उनको एक उनकी एक अलग पोजीशन है उनके हायरार्की में। तो ये तो उस समय की कंट्रोवर्सी थी, लेकिन कंट्रोवर्सी अभी भी लिंगर ऑन कर रही है। ये कंट्रोवर्सी कि टीपू सुल्तान ने जबरदस्ती हिंदुओं को मारा, काटा, पीटा, उनको कन्वर्ट किया, और वो एक्चुअली इस्लाम को स्प्रेड कर रहे थे, ये उनके बारे में बाइनरी बनाई गई है, ये उनके बारे में पॉपुलर कहानी में यही बनाई गई है। दो कॉन्ट्रेडिक्शन, एक तो इतिहास में हमको इसकी कॉन्ट्रेडिक्शन दिखाई देती है, दूसरा हमको एक पिक्यूलियर चीज दिखाई देती है कि 2017 में जब हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो चुनने के बाद वो एक बार बेंगलोर में दोनों जो हाउसेस हैं वहां एड्रेस कर रहे थे, तो वहां उन्होंने काफी पॉजिटिव बातें टीपू सुल्तान की ठीक उसी तरह से की जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल हिस्टोरियन से। तो एज बतौर हिस्टोरियन आप टीपू सुल्तान के बारे में जो चार्जेस हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो मैं ना थोड़े से तथ्यों के आधार पर ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब होता ये है कि टीपू सुल्तान के जो कार्यकाल है उसके बारे में जो मुस्लिम फिनेटिक है वो भी अतिशयोक्ति लिखता है। एक कोई किरमनी करके इतिहासकार हैं, पूरा नाम भी उसी लेख में है, उसके अंदर वो किरमनी ये कहता है कि टीपू सुल्तान ने जो ये कुर्ग के अंदर हुसैन अली खां किरमानी तो वो जो हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इन्होंने बहुत तशद्दुद किया, इन्होंने 80,000 जो थे हिंदुओं को परिवर्तित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में जी। अब मैं फिर थोड़ा सा वही अपना जमा घाटा घाटा करने लगा। 1870 के अंदर
जो पहला किसी किस्म की भी राय शुमारी हुई थी, सेंसस जैसा हुआ था, सेंसस तो जैसा कुर्ग, हाँ जी हाँ जी, तो कुर्ग इलाके के अंदर इन द कुर्ग डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 6,000 मुसलमान थे जी। ये कोई 70 साल बाद है, इतना सब तशद्दुद करके 80,000 मुसलमानों को बना देने के बाद में। दूसरा फिर मेरे को ये लगा कि मैं फिर ये जाके देखता हूँ कि कुर्ग की पूरी जनसंख्या कितनी थी, 1700 एस्टीमेट ही बनते थे उस समय, क्योंकि जो पहला पहला सेंसस है वो तो आप जानते हैं 1881 में आता है। बिल्कुल, तो वो एस्टीमेट जो था वो ये था कि साहब वो 80,000 तो कुल जनसंख्या थी कुर्ग की, कुर्ग पूरे कुर्ग जिले जी में। जी जी पूरी जी। तो वो हुसैन अली खान किरमनी जो है वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए सारा नेस्तनाबूद कर दिया। और ये किरमनी किस पीरियड में लिख रहे थे? और ये लिख रहे हैं साहब 1860s के अंदर, 1860 के दशक, उस पीरियड, उसी पीरियड में लिख रहे हैं। जी, 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 तो लगभग एक तरह से इस्लाम के जो मतलब प्रोमोट करने वाले की मतलब इस्लामिसाइजेशन ऑफ सोसाइटी को जो दिखाना चाहते हैं कि हम लोग डोमिनेंट धर्म के तौर पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उन्होंने टीपू को अपना आइकन बनाना शुरू कर दिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। नहीं थी साहब, वो खुद जो था नमाजी था, वो खुद नमाजी था, वो मॉस्क्स मस्जिदों को पैसे देता था, बनवाता था, वो भी सब करता था, पर वो अपने ही जो श्रीरंगापट्टनम जो उसका मेन जगह थी, पैलेस था जी, उसके अंदर 3 हिंदू मंदिर आज भी हैं, और मेरे जैसा व्यक्ति जो कुछ समय बैंगलोर बिता के आया है वो देख के आया है, पूजा अर्चना आज के दिन भी होती है, और वो टीपू सुल्तान उनको बकायदा मतलब दान डोनेशन देते थे, बकायदा मेंटेन करते थे, उनको मेंटेन किया साहब, बिल्कुल मेंटेन किया। दूसरी चीज, अब ये जो एडवाइजर किसी किसी को रखना, मंत्री रखना, अपन लोग जानते हैं आज के दिन कैसे चुना जाता है, तो इन्होंने भी अपनी कोई प्रक्रिया लगाई होगी। पुनैया कृष्ण राव और एक तीसरा और नाम है, ये इनके एडवाइजर्स हैं, इनके मंत्रीगण हैं, इनके मंत्री परिषद, जो ऑब्वियसली हिंदू हैं, क्योंकि सारे हिंदू हैं, क्योंकि सारे हिंदू हैं जी। अच्छा, अब टीपू खुद कहता है कि मैंने जो मलाबार के नायर लोग हैं इनको कन्वर्ट किया जी। अच्छा, विचित्र बात है, और मैंने इनको सताया, आई हैव हैरेस्ट देम। अच्छा, विचित्र बात है, हाँ अपने आप कहता है, अपने आप कहता है, पर वो साथ में जो है उसको पढ़ लेना चाहिए कि वो क्यों कह रहा है। कह रहा है मैंने 6 बार इन लोगों ने मेरे खिलाफ विद्रोह किया, मैंने इनको माफ किया, उसके बाद भी जब यह नहीं माने तो मैंने इनको सताया, इनको एग्जाइल किया वगैरह वगैरह। हाँ जी, तो अब ये नायर का जो ग्रुप है ये भी इस बंदे के खिलाफ हो सकता है आज के दिन, अगर कोई नायर्स जो है उनका बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम है, दे हैव अ सोसाइटी, मॉडर्न किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस जो कि चलते हैं, वो अलग बात है जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये, दूसरा जो इसके पिता थे वो भी कुछ कर गए थे जो कि नागवार गुजरा है। इसके पिता ने जो बीच के जमींदार वगैरह थे उनको खत्म करने की कोशिश की, और डायरेक्टली रेवेन्यू हासिल करने के लिए जमींदारों को खत्म करके पटवारी किस्म के लोगों की नियुक्ति की, ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड बाय हिज फादर हैदर अली। तो जो सेक्शन वहां पर हिंदुओं का जो सेक्शन निकल गया वह भी इनके खिलाफ गया, और उसने भी कुछ, जब किरमनी तैयार थे इस किस्म का प्रचार करने के लिए तो उन्होंने भी अपनी तड़का लगाया। तो ये हिंदू जमींदार जिन लोगों का जो मेन जो एज रेवेन्यू कलेक्टर्स जो इनकी आमदनी थी, ये इनके हाथ से चले जाने के बाद तो इनको एज अ मुस्लिम विलेन के तौर पे पेश करना शुरू कर दिया। तो क्या हम ये मतलब आपकी बात से तो ये लग रहा है कि टीपू के लाइफ टाइम में
उनका रोमांटिसाइजेशन, उनका ग्लोरिफिकेशन और उनका विलिफिकेशन दोनों साथ साथ शुरू हो चुके। बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। और ये इससे ज्यादा दुख की बात नहीं होगी, इस ये व्यक्ति जो है आज के दिन भी दो चार प्रयास हुए हैं लेकिन आज के दिन भी मोहताज है एक किसी ऐसे इतिहासकार का जो कि बैठ के इस व्यक्ति को अपने संदर्भ में ठीक से जान ले। जी, तो टीपू के बारे में यह भी कहा जाता है कि टीपू की जो जिंदगी है जो 1750 से लेके वो 1799 तक जीवित रहते हैं उसमें उनका शासनकाल, उनका ज्यादातर समय जो है ना वो युद्ध के मैदान में बीता और उनकी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी होती थी, इतनी बड़ी थी कि मतलब ब्रिटिश सेना जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाती थी टीपू के मिलिट्री कैंपेन्स के सामने। तो उसके बारे में बताएंगे कि टीपू क्या मिलिटरीली क्या बहुत ही सक्सेसफुल थे या उसमें भी वो नहीं कर पाए जो वो करना चाह रहे थे। देखिए, जो मैंने पढ़ा है वो तो ये पढ़ा है कि वेलेसली के पास तो इनसे आधी सेना थी जी। उसकी सेना एक दिन पहले, जब ये 3 मई 1799 को एक दिन पहले तकरीबन बेहोश हो रही थी, भोजन नहीं था, तो लेकिन फिर भी ये हार जाता है। तो या तो मेरे को लगता है कि एज अ मिलिट्री कमांडर स्ट्रैटेजी वगैरह जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसकी कोई हो सकता है कि कमी रही हो। दूसरा ये भी अपने को देखना पड़ेगा कि जो अंग्रेज सत्ता है वो एक नए किस्म का पैसे के आधार पर बन रही है न? तो इनकी जो फौज है ये दुगनी होने के बावजूद हो सकता है इररेगुलर फौज हो। तो ये सब हो सकता है कि ये ही मे हैव बीन अ बैड स्ट्रेटजिस्ट और जो रेगुलर इररेगुलर आर्मी के भी मालिक। जी, एक चीज जो हमको देखने को मिलता है, आप इतिहासकार हैं, आप अभी अभी बताया कि टीपू अभी भी इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे इतिहासकार को का जो बैलेंस तरीके से उनके बारे में लिख सकता है, उनको इवैल्यूएट कर सकता है, लेकिन एक तरफ तो ये नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि एक किस्म का इतिहास खासतौर से 2014 के बाद से हमको एक तरह से एपिडेमिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है। हालांकि हमको ये नहीं मानना चाहिए कि ये सिर्फ 2014 के बाद से अपना इतिहास, हिंदू इतिहास उसी की खोज हो रही है और इतिहास को हिंदू तरीके से ढालने की कोशिश हो रही है। हमको पता है कि सीताराम गोयल जी जो संघ परिवार के ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफर बहुत दशकों से रहे हैं, उन्होंने भी टीपू सुल्तान के ऊपर लिखा है और जो आजकल के बिल्कुल जो नियो हिस्टोरियंस ऑफ हेट जो हैं, जिनके शायद एक रिप्रेजेंटेटिव हम एक सज्जन है संदीप बालकृष्णा उनको माना जा सकता है, इन सब लोगों ने तो इनकी किताबों को, तो इनके जो राइटिंग्स हैं इनके बारे में आप अवगत हैं, तो इनका बेसिक अप्रोच क्या है, क्या समझाना चाहते हैं और किस तरह की मनोवृत्ति को ये डेवलप करना चाह रहे हैं। जी, ये जैसे किरमनी का, हुसैन अली खान किरमनी का और इनका ऐसा लगता है जैसा कि दो सेंचुरीज के बाद में कोई समझौता है जी। ये एक दूसरे के पूरक हैं, यू नो जी, और ये इतना भरपूर तरीके से एक दूसरे की बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि आपको ताज्जुब होगा कि ये क्या हो रहा है, यू नो। तो मेरे को तो यही लगता है कि इन सब के बस का, क्योंकि इन्होंने ना एक खास चश्मा पहन लिया है और वो इनको बिल्कुल देखने नहीं दे रहा है चारों तरफ। और ऐसा कुछ नहीं है, अब टीपू सुल्तान कौन सा आके मेरे को कोई मेरी दाल रोटी दे जाएगा जो कि मैं उसके गुणगान करूं। मेरे को तो इन लोगों के गुणगान करने चाहिए क्योंकि ये मेरे को हो सकता अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी मेरे को कहीं पे रीइंस्टेट कर दे। आपको, आपने इतिहास में पर्याप्त लिखा है, आप उम्मीद भी ना करें। तो वो तो जो मेरे को लगता है, बस वो यही लगता है कि ये लोग ये चीज भूल जाते हैं कि कुछ हर किसी की प्रोफेशनल कमिटमेंट और मजबूरियां भी होती हैं, नो? और ये लोग अपने आप को कम से कम इतिहासकार या कुछ कहना बंद ही कर दें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप तथ्यों
को इतना तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहेंगे, जजमेंट ही देना चाहेंगे, और वो जजमेंट भी आपका प्री डिसाइडेड होगा, तो फिर कोई आपको बहुत तवज्जो देने वाला है नहीं। जी, एक आखिरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं। अभी हमने बात जब शुरू की थी तो हमने जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसका जिक्र किया था, तो आपसे बातचीत करने के लिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, तो इस किस्म के स्लोगन्स हमको देखने को मिल रहे थे अलग अलग जगहों पे, और इनको बकायदा वेबसाइट्स में रिप्लिकेट किया जा रहा था। जो आपने जो बताया कि गिदवानी और जो आजकल के जो इतिहासकार वो एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसी तरह से एक्टिविस्ट में भी पूरक देखने को मिलते हैं। एक स्लोगन था, आखिरकार वीर सावरकर से इतना क्यों चिढ़ती है टीपू सेना, क्या है इस नफरत का कारण। तो ये बिल्कुल बाइनरी बन गई कि सावरकर और टीपू सुल्तान, किसी और क्षेत्र में जाते हैं तो सावरकर वहां जाके कोई और ढूंढ के लिया जाता है। तो एक तरह से हम लोग, क्या आपको लगता है कि इस दलदल में फंस गए कि हम लोग इतिहास को बस कम्युनल फ्रेम स्पेक्टिकल से ही देखेंगे? जी, ऐसा लगता है कि ये ना वो किसी कवि की कविता थी कि ये हमारे यहाँ पे दंगे बहुत होते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हुए तो वो एक मेरठ का दंगा बड़ा मशहूर हुआ था 1980 के दशक में, तब एक कवि ने 87 का दंगा हुआ था, वो अयोध्या आंदोलन शुरू होने के बाद करीब 3 महीने तक दंगा चलता रहा था। उस दंगे को मैंने काफी उसी पीरियड में, उसी दंगे में हाशिमपुरा और मलियाना के मैसेकर्स हुए थे, उस दंगे की मैंने रिपोर्टिंग की थी। और अभी इस कार्यक्रम में कुछ समय पहले हमने एक किसी जानकार से उसके बारे में चर्चा भी की थी। तो बस उसी समय एक कवि ने ये पूछा था कि यार ये मेरठ कब बंद होगा। तो मेरे को यही लगता है कि गिरीश कर्नाड एक तरफ हैं जो कि कहते हैं कि अगर टीपू हिंदू होता तो उसको कन्नड़ लोग उतनी ही श्रद्धा से पूजते जितना कि महाराष्ट्र में लोग शिवाजी को पूजते, और सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति ये होने नहीं देती। मेरे ख्याल से आपने मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाई, इसी बात पर मैं आज की बात को खत्म करता हूँ। और आप धन्यवाद कि गिरीश कर्नाड जैसे हिंदुस्तान के इतने बड़े कल्चरल जायंट ने कहा था कि अगर वो हिंदू होते तो शिवाजी के जैसे होते कर्नाटका में, आज के कर्नाटका में। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और टीपू सुल्तान की जिंदगी और उनके राज के बारे में समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद नीलांजन मुझे बुलाने के लिए।